हेलो गाइस, टेक्निकल गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको चीकू पकाने के बारे में पूरी जानकारी। और हमारे पेड़ पे ये बहुत सारे चीकू लग रहे हैं, जो हमारा ये अर्जुन पहलवान तोड़ के आपको अभी दिखाएगा। और तोड़ के हम जो आपूस आम की पेटी आती है उसी में पकाएंगे। और इस बार हम मार्केट की विधि से पकाएंगे, जो आम और केले और चीकू पकाने के जो पाउच आते हैं उसकी विधि से हम पकाएंगे। और कितने टाइम में ये पक जाते हैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये पूरा वीडियो जरूर देखें, और कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट में जरूर लिखें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए हम आपको चीकू तोड़ के फिर आपको दिखाते हैं। और ये पेड़ हमारा लगभग आज से 7 से 8 साल पुराना पेड़ है, और इस पर हर साल हमारे चीकू बहुत सारे लगते हैं। चलिए मैं अभी आपको तोड़ के फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस, ये देखिए हमने पूरे पेड़ के चीकू हमने तोड़ लिए हैं, और लगभग हमारे चीकू हो चुके हैं 4 से 5 किलो, ये देख सकते हो आप डिब्बे में। और हमारे यहाँ पे आपूस आम के जो डिब्बे हैं इसी के अंदर हम आपको पका के दिखाएंगे। और आपूस आम जब ये पकाते हैं तो उसमें भी इस प्रकार के पाउच आते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी खाद बीज की दवाई है तो वहाँ पे ये पाउच मिल जाएंगे। अगर आपके कच्चे केले या नींबू आम या चीकू कुछ भी पकाने हैं तो इस पाउच की सहायता से हम पका सकते हैं। और आज हमारे चीकू के पेड़ पे इतने सारे चीकू निकले हैं, और इससे पहले मैंने देसी तरीके से भी पका के दिखाया है और 2-3 विधि से पका के दिखाया है। वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। और आपके अगर चीकू के पेड़ में कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखे, आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। और चलिए अब हम इसको कैसे क्या पकाएंगे आपको। और ये देखिए हमने एक मग्गे में थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें क्या है कि ये जो हमने 2 पाउच लिए हैं मार्केट से, ये हम इसके अंदर एक बार पानी में डिबो करके और आते बाद इसके चीकू के अंदर रख देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये घास रखेंगे, और फिर इसके ऊपर हम वो अखबार की सहायता से ढक के और फिर यहाँ पे रखेंगे। और इससे पहले भी मैंने चीकू पका के दिखाए थे जिसमें हमने पाउच को पूरा गीला करके रखा था, और इस बार हम एक पाउच को सूखा रखेंगे और दूसरे को ये गीला करके रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे धूप में मतलब खुले में यहाँ पे दीवार पे रख देंगे, और 2 दिन बाद हम मंडे को आपको वापस इसका अपडेट देंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक पाउच को इसके अंदर इस प्रकार डिबो दूंगा और इसके अंदर अब रख दूंगा मैं। और एक पाउच है हमारा ये, इसको हम सूखा ही रखेंगे, और इसके ऊपर हम ये जो घास फूस है ये रख देंगे। और ये जो पाउच आपके अगर मार्केट में आसानी से नहीं मिले तो मैं इसका अमेजोन से या ये मतलब खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। इस प्रकार हमने इसके ऊपर घास रख दिया, और ये रहा हमारा ये अखबार, इसको हम इसके ऊपर ढक देंगे और फिर हम इसको पैक करके और हम वहाँ पर दीवार पर रखेंगे, और 2 दिन बाद आपको अपडेट देंगे। तो चलिए मैं अब इसको पैक करके फिर आपको जानकारी बताता हूँ। हाँ तो गाइस, अब हमने इस टेप की सहायता से इस कार्टून के डब्बे को हमने अच्छे से पैक कर दिया है, और अब हम आपको 24 घंटे बाद हम अपडेट देंगे, और चीकू पक गए हैं या नहीं, कितने पके हैं वो पूरा अपडेट देंगे और टेस्ट भी करके दिखाएंगे। चलिए हम आपको 2 दिन बाद अपडेट देते हैं। और अब हमने चीकू को कार्टून में भर के हमने यहाँ पर इस दीवार पर रखे हैं एकदम खुले में, और यहाँ पे हम 2 दिन बाद आपको अपडेट देंगे। हाँ तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ वापस 2 दिन बाद, और मैंने मार्केट की विधि से इस बार चीकू मतलब चीकू के पेड़ के ऊपर से मतलब कच्चे चीकू तोड़ के और आपको पकाने के बारे में विधि बताई थी। उस समय मैंने तोड़ के इस डिब्बे में सेट किया था, वो कार्बेटर का पाउच एक तो गीला करके रखा था मैंने और एक सूखा रखा था, और वो मैंने प्राइस जरूर नहीं बताई थी उस समय,
तो वो आते हैं 5 रुपए का एक, 10 रुपए का। मैंने 2 पाउच मार्केट से खरीदे थे, और हो सकता है अगर आपके मार्केट में आसानी से नहीं मिले तो मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, वहाँ की प्राइस का मेरे को थोड़ा कन्फर्म पता नहीं है। और चले मैं आपके सामने इसको लाइव खोल के दिखाता हूँ कि कितने परसेंट चीकू पक्के हैं या सारे कच्चे हैं या फिर सारे पक चुके हैं। और मैंने इस बाल्टी में लिया थोड़ा सा पानी, जिसे मैं धो के फिर आपको टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको अब खोलता हूँ, और मैंने इसके अंदर टेप लगा के रखा था, जिसे आपको ये विश्वास दिला सको कि मैंने इस मतलब उस समय जब पैक किया उस समय इसको पैक करके एकदम रख दिया था। और अब मैं आपके सामने इसको लाइव खोल के दिखा रहा हूँ, और मेरे को भी कंफर्म पता नहीं है कि ये सारे पक चुके हैं चीकू या कुछ कच्चे हैं। तो ये रहा मैंने आपके सामने पैक किया जो, और ये बहुत सारे चीकू की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरे को लगता है बहुत सारे चीकू पक चुके हैं। हाँ गाइस ये देखिए पक चुके हैं, ये लगभग 95% मतलब 95% पक चुके हैं। कुछ एक दो जरूर मेरे को थोड़ा टाइट लग रहे हैं, लेकिन वो भी पक गए हैं उस प्रकार लग रहे हैं मेरे को। अभी मैं आपको ये 2 साइज है, इसमें से किसी एक को फोड़ के दिखाता हूँ। पहले इसको धो लेता हूँ मैं, और ये सारे चीकू को मैं एक बार धो के फिर रख दूंगा। बाकी तो अब और कुछ छोटे मोटे मतलब थोड़ा बहुत और कच्चे होंगे जो अपने आप पक जाएंगे। अब मैं ये चीकू आपको खोल के और दिखाता हूँ, और ये भी सारे चीकू मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पास में लेके। ये देखिए एकदम सारे पक चुके, पास में लेके दिखाता हूँ ये देखिए। और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि मीठे लग रहे हैं या नहीं। जोरदार मीठे लग रहे हैं, और जब मैंने पेड़ से तोड़े थे उसमें ये सारे कच्चे चीकू थे। मैंने हर एक चीकू को दबा के चेक किया था, उस समय लगभग सारे कच्चे थे, और अभी लगभग 80-95% सारे पक चुके हैं। कुछ छोटे जो चीकू हैं वो थोड़े कम पके हैं, ये इनमें से लगभग 2-4 चीकू ऐसे निकलेंगे, 2 या 3 जो थोड़े कम पके हुए हैं, बाकी पक चुके हैं सारे। और आपके घर पे इस प्रकार चीकू का पेड़ है तो आप भी इस प्रकार पका सकते हो। और अगर आपके पेड़ पर चीकू नहीं लग रहे हैं या और कुछ समस्या है, पेड़ चल नहीं रहा या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हमारे को कमेंट में जरूर लिखे, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और हमें सारे चीकू इसमें धो के फिर काम में लूंगा। मेरे को चीकू बहुत अच्छा लग रहा है ये, और मार्केट में जो पकाते हैं चीकू या केले या पपीता कोई भी जो कच्चा पला था उसमें यही पाउच काम में लिया जाता है। और ये जो आपस आम के जो पेटी आती है, ये दर्जन में आम आते हैं, 12 आम आते हैं, और ये एक पेटी लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की मिलती है, और इनके अंदर भी इसी प्रकार के पाउच मिलता है। और हमने भी आपको ये पका के दिखाया चीकू, बहुत सारी जगह समस्या आती है कि चीकू के पेड़ के ऊपर जब चीकू पकता है तो उस समय पक्षी खा जाते हैं या आधा खा के नीचे गिरा देते हैं, ये ज़्यादा समस्या आती है। तो आप इस प्रकार सारे चीकू तोड़ के और पका सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि इन पाउच का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो और या फिर मार्केट से खरीद सकते हो। और चलिए मैं अब चलता हूँ, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।